किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई थी वो सब आपने सुन लिया है। अब हमारे साथ चंद्रमोहन सिंह, बीजेपी उत्तर प्रदेश के भी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे चंद्रमोहन जी ये है कि विकास दुबे वहां पर जब पकड़ा गया वो अपना नाम चिल्ला रहा था, माँ कह रही है कि महाकाल दर्शन के लिए जाता था, यूपी पुलिस को भनक तक नहीं लगी, फरीदाबाद गया, वहां से फिर उज्जैन गया और अब जाकर वहां पर गिरफ्तार हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दबाव ही था, चौतरफा दबाव था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक उसके गैंग के 5 लोगों को मार गिराया है, ढेर किया है। आज सुबह भी आपने दिखाया कि आज 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो दबाव कायम किया जा रहा था, दबाव क्रिएट किया जा रहा था, उस दबाव का ये परिणाम है कि आज वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन देखिए किस तरीके की विपक्ष है, तो विपक्ष को बोलना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई हम नहीं कहेंगे कि ना बोले चुप हो जाए विपक्ष। विपक्ष ही कह रहा था कि वो हर हालत में जिंदा गिरफ्तार होना चाहिए, जिंदा गिरफ्तार हो गया तो कह रहे हैं कि ये क्या है। तो देखिए इस तरह की बातें करने से कोई लाभ नहीं है, एकदम स्पष्ट है कि वो समाजवादी विकास दुबे है। उसकी माँ का भी बयान आपने अभी सुनाया, माँ ने कहा है कि हाँ मेरा बेटा सपा में है, तो माँ कह रही है सपा में है, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं सपा में। अनुराग जी कह रहे हैं हमारे साथ है, अनुराग जी कह रहे हैं चंद्रमोहन जी की आपकी साजिश है, इस पर क्या जवाब होगा? वो कह रहे हैं कि आपने सुनियोजित तरीके से पूरी साजिश रची है, बहुत सारे कांड किए हैं, बहुत सारे कारनामे किए हैं, तो अनुराग जी तो ये सब भूलेंगे ही। मुजफ्फरनगर भी इन्होंने कराया था कांड, इन्होंने जवाहरबाग कांड कराया था, जौल हत्या कराई थी, 1200 पुलिसकर्मियों पे हमले कराए थे, ये तो कांड कराने वाले और कारनामे करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये तो बोलेंगे ही, ये और क्या बोलेंगे। ये तो कह रहे थे कि कोई पर्ची ला के दिखा दे, जब मीडिया ने ला के दिखा दिया कि उसकी सदस्यता का फार्म ये है और उसका ये सारा डिटेल है, और अखिलेश यादव जो दुर्दांत है गुड्डन तिवारी उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, तो अपराधियों के साथ हाथ आप मिलाओगे, आपका विधायक उसके घर जाएगा, लेकिन फिर भी कहेंगे कि ये भाजपा की साजिश है, सब कुछ भाजपा की साजिश है। अखिलेश जी का कुछ नहीं है, अखिलेश जी केवल मासूम है, वो केवल मजाक उड़ा सकते हैं, बहस उड़ा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, उनकी मासूमियत है अखिलेश जी, फिर भी कहेंगे सब भाजपा का है। और अनुराग भदौरिया सीखेंगे, अभी चिल्लाएंगे और पूरी तरीके से करेंगे ये। जब मैं इनसे पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी तो अपने प्रारंभ के दिनों से ही छबराम के पैरों में बैठ के बड़ी होने वाली पार्टी है, तो छबराम के पैरों में किसने राजनीति शुरू की? भदौरिया जी, भदौरिया जी एक ही करके कि सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, ये ऐसे करेंगे। जब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पे, और मैं जोर दे के कहूंगा अंजना जी, आप खूब विश्लेषण करके सारे विषयों को रखते हो देश के सामने, मैं एकदम जोर देके कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे रामपुर का अपराधी हो, चाहे प्रयागराज का अपराधी हो, चाहे बाराबंकी का अपराधी हो, चाहे शामली का अपराधी हो, किसी भी जिले का कोई अपराधी है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। लेकिन ये अभी क्या बोल रहे थे, जाति और धर्म की बातें कर रहे थे, क्यों कर रहे थे भाई जाति और धर्म की बात? ये इनका इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है, समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए अनुराग, बार बार लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, आज आपको ध्यान रखना चाहिए, कोविड के दौर में हम लोग स्काइप से डिबेट कर रहे हैं, अनुराग बोल नहीं पाओगे, आपसे ज्यादा तेज में चीखता हूँ, आप जानते हो मुझे, ठीक है, आप दोनों चुप हो जाइए, मैं भाजपा लगातार कक्कर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आ रही हूँ कक्कर साहब आपसे समझने के लिए। लेकिन चंद्रमोहन जी, अब ये कहना है समाजवादी पार्टी का कि आपने साजिश रची है, सुनियोजित तरीके से इसकी गिरफ्तारी कराई गई है, और ये आरोप लग रहा है कि जो माँ कह रही है उस पर भी भरोसा ना हो, अब जवाब दीजिए इसका, स्पेसिफिक सवाल है। देखिए अंजना जी, ये मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जवाहरबाग कांड कराएंगे वो भी हमारी साजिश है, मुजफ्फरनगर कांड हमारी साजिश है, विकास दुबे समाजवादी पार्टी का सदस्य है वो भी हमारी साजिश है, उसकी पर्ची काट के हमने जारी कर दी, उनके इनके विधायक को हमने भेज दिया कि जाओ विकास दुबे के घर, वो उनका विधायक पूर्व विधायक कह रहा है शिव कुमार के हम उसकी आरती उतारते थे, ये भी हम कह रहे हैं, ये नौटंकी बंद कर दे समाजवादी पार्टी। जिनके घर, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से कहूंगा, जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरे की झोपड़ी पर पत्थर नहीं फेंकते। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, एक बार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के फिर से एक नई जानकारी दे रहे, वो सुना देते, फिर कक्कर साहब आपके पास भी आऊंगा। विवेचक है, उनका विवेक है, और हम जल्द से जल्द चाहेंगे, चूंकि ये मुख्य अभियुक्त है, और इनसे हम पूछताछ करें और हमारे अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई है, इसको अमल में लाए। क्या आपको ऐसा लगता है यूपी पुलिस स्टेट से कहीं कोई चूक हो गई, वो अपने पकड़ में आना चाहिए था? बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं इस केस में, और अभी तात्कालिक रूप से ये बताना उचित नहीं होगा,
और क्योंकि तमाम गाड़ियां चल रही हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना चेक करना कहां तक संभव है, लेकिन जब चीज़ें प्राप्त होंगी कि क्या रास्ता था, कौन सा रूट था, क्या वाहन था, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब चीज़ें और साफ होंगी। सर अभी किसी मददगार की जानकारी नहीं है? अभी तक किसी नहीं है, हमारी टीम जाएगी और हम उनको रिमांड पे लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर एक चर्चा चल रही है कि मतलब विशेष चार्टर प्लेन से यूपी पुलिस की टीम जा रही है, ये चीज़ें जिसका कोई सिर पैर नहीं इसके बारे में बोलना उचित नहीं है, और हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। जी थैंक यू। तो जानकारी दे रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त उत्तर प्रदेश के। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ कक्कर साहब, मतलब किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, पूरी तस्वीर को अगर कोई सोचे और समझे तो सिर उसका घूम जाए। पुलिस वाले दबिश करते हैं, खुफिया जानकारी मुखबिरी खाकी वर्दी वाले ही करते हैं, गैंगस्टर को कहते हैं कि आज रात पुलिस आप पर दबिश करने वाली है। 200-300 राउंड फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, गैंगस्टर फरार हो जाता है, गैंगस्टर फरीदाबाद में देखा जाता है, फिर उज्जैन में गिरफ्तार होता है। माँ कहती है महाकाल ने बचा लिया और अब यूपीएसटीएफ उसे लेकर आ रही है, और माँ ये भी कहती है कि राजनीतिक संरक्षण भी है, वो कह रही है अभी भाजपा में नहीं है, अब समाजवादी पार्टी में है, खाकी खादी। इस बीच आपको टोक रही हूं सर, डेप्यूटी सीएम भी कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं फिर आ रहे हैं। केशव प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहाँ की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। तो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई की है और इस खूंखार अपराधी को उसके अंजाम तक यूपी पुलिस ले जाएगी, यूपी सरकार ले जाएगी। कक्कर साहब वही सवाल जो मेरा, खाकी खादी और हर मोड़ पर हर कदम पर जब खाकी वर्दी वाले ही कुछ ऐसे लोग हो जो मुखबिरी कर रहे हो ऐसे गैंगस्टर की, हर जगह पर वो पुलिस से 2 कदम पहले पहुंचता था और खादी के साथ भी उसके अलग अलग रिश्ते अलग अलग वक्त पर रहे हैं। माँ कह रही कि अभी भाजपा के साथ नहीं है, अभी तो समाजवादी पार्टी के साथ है, ये बताता है कि हर पोलिटिकल पार्टी में इसका क्लाउड था, मौजूदा वक्त पर शायद समाजवादी पार्टी के साथ था। अंजना जी ऐसा है कि जितने भी इस तरह के अपराधी हैं जिनका इतना लंबा एक अरसे से अपराध की जीवन चल रहा है, इसका विकास का पिछले 22 साल से ऐसे हो रहा है, ये जो भी पार्टी पावर में आती है उसके साथ सांठ गांठ जोड़ लेते हैं। अब वो कितनी मदद ये करते हैं उनकी, कितनी वो करते हैं, ये बातें सबके सामने हैं। इसी तरह क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, तो जो कुछ एक रश जो पुलिस के लोग होते हैं जो इस इलाके में कभी आए हुए हों, वो भी इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तरफ उनका नरम रवैया रहता है। अदरवाइज आई सी नो रीजन के इतने सालों से अब ये एक इलाके में रह रहा है और उनको पता नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। और बिल्कुल सही हुआ है जो पुलिस उस थाने के प्रभारी उस थाने के 2-4 और लोगों को अरेस्ट किया है, उनको डिसमिस करें और उनके बाद इंक्वायरी करें। नाउ मैं आता हूँ
कि ये जो पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, सपा वाला कुछ कह रहा है, बीजेपी, देखिए जो भी पार्टी पावर में है उसके लिए उस प्रांत की, उस प्रदेश की पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है, ये आप मान लीजिए, और जो बाहर है उसके लिए सबसे खराब पुलिस है। तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं हो रही हैं, वो तो इसी तरह के सवाल जवाब होते रहे, इसी तरह के जवाब मिलेंगे आपको। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पकड़ा गया है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा यूपी पुलिस ने दबाव डाल रखा था इन 6 स्टेट्स में, और मुझे पूरी जानकारी है इसकी, दिल्ली से भी जानकारी है थोड़ी बहुत, कि बहुत ज्यादा प्रेशर, और हर जगह इन्होंने उसकी जो भी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ है, बाकी चीजें भेज रखी थी। इसको अब पता, क्योंकि इसके साथ ही 2 मर गए, बाकी पकड़े गए, कुछ और भागे हुए हैं, इसको ये पता है इसका समय अब आ गया है। अब इसके पास 2 ही चॉइसेस थी, या तो ये किसी जगह पुलिस से भिड़ जाता, उनके सामने आ जाता और इसको गोली लग जाती, या वो सरेंडर। इसने सोचा कि सबसे अच्छी बात है कि मैं जनता के सामने, पब्लिक के सामने किसी जगह एक अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, और इसने उज्जैन बंदर जो जाता होगा पहले या नहीं जाता होगा वो तो इंटरोगेशन बताएगा, फिर वहां पे चला गया इसने अपने आप को। अब देखिए, अब ये मध्य प्रदेश पुलिस पे है, अब वो इसको प्रोड्यूस करेंगे, वहां से ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी, और यूपी पुलिस इसको एस्कॉर्ट करके अपनी जिस थाने में जो वाक्या हुआ है और उनकी SIT वहां लेके आएगी। जी yes. लेकिन पूरा सच सामने आने के लिए एक जल्दी से एक संक्षिप्त जवाब, जिसके बाद मैं, हमारे साथ विक्रम सिंह साहब भी फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं। कक्कर साहब, पूरा सच सामने आने के लिए 2017 में भी ऑन वीडियो इससे पूछताछ की गई थी, क्या अगर इस नेक्सस के तह तक पहुंचना है तो इस बार भी पारदर्शी तरीके से इस तरह की पूछताछ नहीं होनी चाहिए? आप वीडियो रिलीज कीजिए, वो किस किस के नाम ले रहा है पता तो चले। पूछताछ बिल्कुल होगी, और अच्छा है कि ये पकड़ा गया है, मुझे मैं सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ ये पकड़ा गया। अब कम से कम अगर इसके साथ साइंटिफिक तरीके से इंटरोगेशन होगी और कहीं ना कहीं ये ब्रेक करेगा, ये डेफिनेटली उन पॉलिटिकल लोकल लीडर्स और अफसर जो वहाँ पे पुलिस के हैं जिनके साथ सांठगांठ थी, कैसे होता था, क्या ये सब बताएगा। अच्छा है कि ये पकड़ा गया, लेकिन अगर ये सब कुछ हम पूछना चाहते हैं, प्लीज अगर हम सब कुछ पूछना चाहते हैं, और अगर नहीं पूछना चाहते तो, क्योंकि ये बहुत लंबा इसका हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ होगा, तो इट डिपेंड्स वेदर दे वांट टू रियली वांट हिम टू रिवील एवरीथिंग और डू नॉट रिवील एवरीथिंग, बट वो रिवील होगा, अगर रिवील करवा सकते हैं इसके। ये तो जाहिर है विक्रम सिंह साहब कि इससे पहले जो वहां पर अमला था वो सच नहीं सामने आने देना चाहता था। आज ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे होंगे तब भी ये पूरा मामला रहा होगा, आज क्यों नहीं आप ही बताते हैं कि किस तरह के खेल खेलने में माहिर है ये शख्स कि पुलिस की गिरफ्त में आ आकर भाग जाता था, पुलिस वाले इसके खिलाफ अपनी आंखों के सामने देखे हुए गुनाह पर भी चश्मदीद बनने से इनकार करते थे, और आज क्या ऐसा किया जाए जिसके जरिए पूरा सच इस नेक्सस का सामने आना चाहिए? सिर्फ विकास दुबे एंड गेम नहीं है, एंड गेम वो नेक्सस बनना चाहिए जिसमें खाकी, खादी और अपराध की मिली भगत है। सिंह साहब, श्री TR कक्कड़ साहब ने बृहद रोशनी डाली है इसके ऊपर, यह संतोष का विषय है कि यह पकड़ा गया है। अब इससे बृहद पूछताछ, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट जब होगा तो IAS, IPS, पुलिस अधिकारी, राजनेता, व्यवसायी, बिजनेसमैन सबके नाम खुलासे होंगे, ये उम्मीद की जाती है। डे टू डे बेसिस पर यह पूछताछ छापे पड़े और जो गैंग के गिरोह के सदस्य सामने आते हैं वो IAS हो, IPS हो, पुलिसकर्मी हो, बिजनेसमैन हो, गैंग चार्ट की तरह उनकी भी डे टू डे सुनवाई हो, चल अचल संपत्ति कुर्क हो, क्योंकि प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब प्रदेश और देश को इसकी ऐसे भस्मासुरों की कुर्बानी दी जाए और इनके हिसाब किताब का समय आ गया है, क्योंकि न देना हमारे शहीदों के खून का अपमान होगा। इसलिए बृहद पूछताछ कार्रवाई, और आपने हमारे कार्यकाल की बात की थी, उस दौरान इनसे भी बड़े बड़े ददुआ ठोकिया गेवट वगैरह थे, उनका सबका निस्तारण, सब एनकाउंटर में मारे गए। ये कदाचित ये जब भूमि जानते हैं कि इनका अंत आने वाला है तो ये भूमिगत हो जाते हैं।
बहरहाल अब ये गिरफ्तार हो गए हैं और जिस तरीके से पूछताछ साइंटिफिक होनी चाहिए और इसमें कोई प्रमाद नहीं, आईएएस आईपीएस पुलिसकर्मी अधिकारी बिजनेसमैन राजनेता जो भी हो, अब इनकी कुर्बानी का वक्त आ गया है, कुर्बानी होनी ही चाहिए और जो भी कुर्बानी इनकी करेगा वो अमर हो जाएगा हमारे इतिहास में। आपको जाति और धर्म का क्या एंगल दिख रहा है इसमें अनुराग भदौरिया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती आई ना हमेशा, मैं कह रहा हूँ अगर ये अपराधी को पकड़ना और कानून व्यवस्था कायम करना इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसमें ध्यान कहाँ देते हैं? उनको एक ही काम रहता है, कहाँ जाति धर्म की राजनीति होती है उसी पर रोटी सेकना है ना, रोजगार से मतलब है इनको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर क्राइम पे ध्यान देती, ये अपराधियों को पकड़ने में ध्यान देती और सही अपराधियों का एनकाउंटर कर रही होती तो आज ये बड़े बड़े अपराधी कैसे बच जाते? अब बड़े बड़े अपराधी बचे इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार क्या कर रही थी? आवाज नहीं आई अंजना जी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल वहां पर अपराधी बना है। अंजना जी एक बात क्लियर कर दूं, आपके ही चैनल पे इसी विकास दुबे की मां ने बोला था कि विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी में, और विकास दुबे का जो आपने वीडियो वायरल किया था उसमें उसने सिर्फ 2017 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिए थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे बचाए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है अंजना जी? ये बेवजह की फर्जी खबर चलना ये अच्छी बात नहीं। मैं कह रहा अंजना जी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है इस तरह की राजनीति अगर होने लगेगी। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, एक बार बीजेपी बोलेगी एक बार सपा बोलेगी अंजना जी, ठीक है आपके इस आरोप पर जवाब लेते हैं। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, दो आरोप वो सीधा लगा रहे हैं कि जाति की राजनीति करती है आपकी पार्टी और इसीलिए संरक्षण मिल रहा था विकास दुबे को। 2017 में उसने बीजेपी के दो विधायकों का खुलकर नाम दिया था कि इसकी वजह से मैं पुलिसिया कार्रवाई से बचता रहा हूं, हालांकि उन दोनों ने बाद में इनकार किया था। देखिए अंजना जी, जो अपराधी है पुलिस ने पकड़ा है वो किसका नाम लेगा, वो किसका नाम लेगा? स्वाभाविक रूप से उसने तो ये भी बोला था कि मैंने संतोष शुक्ला की हत्या नहीं की, वो तो कह रहा था कि उस वीडियो में ये कहा है उसने, वो विधायकों का नाम लेगा, अंजना जी उस विधायक का नाम ले रहा था अभिजीत सांगा का जो उसका विरोध कर रहा था, और वो जो विधायक वहाँ दलित विधायक है भगवती प्रकाश जी, वो बेचारे उनके बारे में पूरा जानता है कानपुर और हर आदमी जानता है। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता की कोई रसीद दे दे लाके मीडिया को, कहा बार बार डिबेट करता है, और जब रसीद आ गई तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आज के बाद और रामवृक्ष यादव तक कौन था छबराम के पैरों में, कौन बैठ रहा था रामवृक्ष यादव के पैरों में, कौन बैठ रहा था जवाहरलाल अच्छा आप करा रहे थे मुजफ्फरनगर में दंगा आप करा रहे कर्मियों पे हमले हुए थे समाजवादी पार्टी के, दो दो जिलों में छात्रा विद्यालय नहीं गई, ये उसकी राजनीति बंद कर दो, ये पाप की राजनीति स्पष्ट रूप से एकदम साफ है। राजनीतिक संरक्षण के बिना वो धौंस आती नहीं किसी गैंगस्टर में, जो धौंस आज उसने दिखाई है उज्जैन में जब गिरफ्तारी हो रही थी। आप देख रहे हैं लगातार कवरेज, आइए एक बार आपको दिखाते हैं किस तरह की परिस्थितियों के साथ आखिरकार लुका छिपी का ये खेल खत्म हुआ, गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में पकड़ा गया, कानूनी कार्रवाई होगी, उसे रिमांड पर लेंगे और फिर जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा करें, अनुराग भदौरिया जी, टीआर कक्कड़ साहब, चंद्रमोहन सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए आखिरकार चंद्रमोहन सिंह जी, जिम्मेदारी अब आपकी सरकार पर होगी और इस कसौटी पर पूरा देश आपको आंकेगा, क्योंकि नेक्सस था इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, खाकी खादी और अपराध, मुखबिरी जब पुलिस वाला कर रहा था वहां पर, एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी एससीओ देवेंद्र मिश्र ने, बावजूद इसके कोई कार्रवाई शख्स के खिलाफ नहीं कराया था एसएसपी ने, ऐसे में शक की सुई है, ये नेक्सस सामने आपकी सरकार को लाना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वीडियो के जरिए 2017 में जैसे पूछताछ सामने रखी गई थी, एक बार फिर क्यों ना हो? देखिए अंजना जी, जो आपने कहा कि बिल्कुल कसौटी पर है, और एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो अपराध के विषय पर जीरो टॉलरेंस रखने वाले व्यक्ति है। जब से उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को अपराध के विषय में जीरो टॉलरेंस पर लेके जाएंगे, वो लेके गए हैं। फरुखाबाद में जब आपने दिखाया खूब चर्चा की कि फरुखाबाद में एक शिवसेना ने जब बच्चों को गिरफ्त में ले लिया था तो मुक्त किया, वो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई भी ऐसी बात है, अपराध है, मैं आपको जोर दे के कहूंगा, पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं ये बात,
कि उत्तर प्रदेश में अपराध का अंतिम अध्याय है। अभी आदरणीय विक्रम सिंह जी ने जो बात कही है कि इस कलंक को मिटाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, अंजना जी मैं लगातार जब मुझसे ये पूछा जा रहा था कि कब ये विकास समाजवादी विकास गिरफ्त में आएगा, तो मैं बार बार यही कह रहा था कि कभी भी आप इसको ब्रेक करेंगे कि वो पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई हुई, हर हालत में पहले दिन ही से लगातार देखिए जो बात आई जो सीओ साहब के आदरणीय स्वर्गीय सीओ साहब के पत्र के बारे में, तो कोई ढिलाई नहीं है। एक आईपीएस को, सीनियर आईपीएस को उसकी जांच दे दी गई और उस पर जांच पर रिपोर्ट आ गई है, लगातार कार्रवाइयां हो रही है। तमाम जो जांच होती है ना चंद्रमोहन जी, बस इसको सार्वजनिक कीजिएगा, फाइलों में दबी ना रह जाए और पूरे मामले की लीपापोती नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। अनुराग जी वो वादा कर रहे हैं कि पूरा सच सामने आएगा, कलंक कथा खत्म। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। कलंक कथा को खत्म करने के लिए ही योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है कि दशकों का ये अपराध अब खुलकर सामने है, ये उनका दावा है। अनुराग जी देखिए, ये जो अपराधी भाजपा विकास दुबे है ना, ये इनका चहेता है। अगर इनको एनकाउंटर करना होता ना और उसकी सजा इनको दिलानी होती, तो अभी जब इन्होंने मोस्ट वांटेड की लिस्ट निकाली थी, 2 महीने पहले की बात है, थाने तक में भी नाम नहीं डाला था उसका, जिले में भी नाम नहीं था, प्रदेश की तो बात छोड़ दी, तो कौन बचा रहा था, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सरकार आपकी है, आपकी सरकार में पल फूल रहा है, जब से 3.5 साल की सरकार में उसने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है, और आपकी सरकार में पड़पता है हमेशा। 2001 में भी आपकी सरकार थी, तब भी थाने में घुस के मारा। आज 2020 में आपकी सरकार है, तब उसने 8-8, 10-10 पुलिस वाले मारे, शहीद कर दिए, और सीना चौड़ा करके घूमती है, और पुलिस हाथ मलती रहेगी और कोरी लाठी पीटती रहेगी। निकल गया विकास दुबे, अपराधी भाजपा विकास दुबे, जाके कहां पकड़ा सिलेंडर करता है, उज्जैन में, और उज्जैन के वहां के गृह मंत्री क्या बोलते हैं, अरे हम उत्तर जो मध्य प्रदेश में आता है पकड़ा जाता है, इसके मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन नाकाम है। उन्होंने खुद धिक्कारा है आपके प्रशासन को कि आपके प्रशासन के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ सपा वाला क्या आपने भगाया था क्या, ये सब ये क्वेश्चन साफ जाहिर होते हैं, कौन है अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, कौन है सपा वाला, वो कह रहे हैं बीजेपी वाला, और वो अपने आप को उज्जैन में बता रहे हैं विकास दुबे है, वो कह रहे हैं सपा वाला, वो कह रहे हैं बीजेपी वाला, और वो अपने आप को बता रहे हैं कानपुर वाला। इन नेताओं की अपनी अपनी ये धारणा है, इसमें मैं बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मैं केवल इतना कि उस दुखित घटना के बाद जिसमें इतने सारे पुलिस कर्मी शहीद हुए, अब ये पकड़ा गया, असली कहानी अब शुरू होनी चाहिए कि ये व्यक्ति है कौन, किसके साथ ये करता था काम, किस कि कौन इसको संरक्षण देता था, कौन से पुलिस कर्मी हैं और सीनियर अधिकारी हैं, ये अब होगा। और मैं फिर दोबारा, पहले भी मैंने कहा, अगर ये प्रशासन इससे सब चीज पूछता है साइंटिफिक तरीके से, तो ये कुछ तो बताएगा। अब वो बताना जो है उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार पर निर्भर है और उन्हीं का दायित्व है। तो पॉलिटिकल ही तो ये आप जितनी पूछेंगे इनको यही कहेंगे कि साहब एक काउंटर क्वेश्चन है, अच्छे नहीं है। काउंटर क्वेश्चन है, पिछले बार जब वीडियो 2017 में सामने आया था, इसने 2 बीजेपी के विधायकों का नाम लिया, उनका कहना है कि ये साजिश के तहत हमारा नाम ले रहा था क्योंकि हम इस पर शिकंजा कस रहे थे। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है सिर्फ उसका बयान ही काफी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, आखिर इसके फोन पर किस किस की चर्चा होती थी, कौन कौन इससे मिलने आता था जी, आपको उस पूरे जो भी वो कहता है उसको बैक करने के लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे जिसके जरिए एक बिल्कुल पूरा बिल्कुल केस बन पाए। देखिए, उसने उसने उस वक्त जो बयान दिया उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई कोई हुई, कोई ये जानने की कोशिश की कि कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, मेरे विचार से ऐसा नहीं हुआ, रीजन मुझे नहीं पता है। अब अगर इनको लाई डिटेक्टर टेस्ट है, दूसरे साइंटिफिक तरीके हैं, वो अगर करके जो ये बताता है उसको एक फॉलो अप करना है कि ये कहाँ तक ठीक कह रहा है। सिर्फ ये उसके कहने से तो वो कुछ भी कह देगा, वो तो कह देगा कक्कड़ साहब भी मेरे साथ थे, तो ऐसी कुछ नहीं होता है, बड़ा तरीका है। लेकिन अगर वो हम करना चाहते हैं, मैं फिर उसी पे इंसिस्ट कर रहा हूँ, हम कहाँ तक इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, वो
प्रशासन पर निर्भर करेगा। एक बार हम जरा जो कलेक्टर उज्जैन थे उन्होंने जो जानकारी दी है कि किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है वो जरा हम सुना सकते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि वो बता रहे हैं कैसे वहां पर दर्शन के लिए महाकाल में एक व्यक्ति पहुंचा, संदिग्ध था, और उसके बाद कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ उज्जैन जिले के कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री आशीष सिंह जी है, आइए उनसे बात करें पूरा घटनाक्रम क्या है। देखिए आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, 7:50 के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो आया था दर्शन के लिए, और एक यहाँ पर जो दुकान है जिसको सुरेश करके एक शॉपकीपर है वो चलाते हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि कहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए पर्चियाँ मिलती हैं, पर्चियाँ कहाँ पर काटी जाती हैं, तो उनको उसको देख के थोड़ा शक हुआ, और उन्होंने जो हमारी महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी SIS सिक्योरिटी है उसके एक कर्मचारी हैं राहुल, उनको खबर करी कि इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति जो फोटो चल रही है कई दिनों से उसको देख के प्रतीत हो रहा है, तो उन लोगों ने इसको ट्रैक करना चालू किया, उसने 250 रुपये की जो है पर्ची भी कटाई, तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। फिर जब निर्गम द्वार पर जब वो बाहर लौट रहा था तो उससे पूछताछ करी गई, जब पूछताछ में उससे ID कार्ड मांगा गया तो उसने कोई ID कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी, उसके बाद वो हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। अभी उसकी स्थिति क्या है, किस तरह से इंट्रोगेशन चल रहा है, क्या? देखिए अभी अननोन लोकेशन पे ले जाकर पुलिस के द्वारा उससे इंट्रोगेशन जो है वो किया जा रहा है, हालांकि उसने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है, और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था, तो निश्चित रूप से उसको पकड़ा जा चुका है और अननोन लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ भी कराई जा रही है। प्रशासन का अगला कदम क्या होता है, इतने बड़े आरोपी को हमने पकड़ा है और यहाँ की सिक्योरिटी ने पकड़ा, तो अगला कदम क्या है? देखिए निश्चित रूप से क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें जो भी भोपाल स्तर पर मुख्यमंत्री जी या DGP साहब जो भी निर्णय करेंगे उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करी जाएगी। आइए अब आपको जरा सुनाते हैं चौकीदार जो था इस महाकाल मंदिर में वो क्या जानकारी दे रहा है इस गिरफ्तारी के बारे में। पुजारी जो महाकाल मंदिर में है वो क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। मुख्य पुजारियों में से एक हमारे साथ महेश पुजारी जी, आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम, जो उसने दर्शन करें, किस तरह से दर्शन करें, कहां गया, आज विकास दुबे को पकड़ा गया है पंडित जी, उसने यहां पूजन करा है, क्या है आपकी जानकारी में? हम आज क्या है कि देश में जो कोरोना है, इस कोरोना को दूर होने की महामारी के लिए भगवान महाकाल को मनाया जा रहा था, अभिषेक पूजा में हम सब लोग बैठे हुए थे, और उसी समय पे जब ये व्यक्ति यहाँ आया और जब जिस तरीके से जो नियमानुसार दर्शन किए लेकिन वो संदिग्ध व्यवस्था में लग रहा था, तो सभी को, कर्मचारियों को, पुलिस को और हम लोगों को भी ये लगा कि हो ना हो ये हम विकास दुबे हो सकता है, और इसी को चर्चित करते हुए इसे निर्गम द्वार के मार्ग पे और प्रवेश द्वार दोनों के बीच में इसको है, तो हमारे सुरक्षाकर्मी और पुलिस ने पकड़ा। अभी पंडित जी महाकाल में पूजन हो रहा है, सारे लोग पूजन कर रहे हैं, तो अभी किस तरह से पूजन चल रहा है और विकास दुबे ने किस तरह से पूजन किया होगा या क्या दर्शन किए होंगे उसने, जो अभी यहाँ व्यवस्था है महाकाल मंदिर में पूजन की? नियम अनुसार जो है केवल हाथ से दर्शन करना और सर मस्तक नमाना है, तो जो बैरिकेड है बैरिकेड से ही दर्शन करके ये बाहर निकले थे और इनको है तो पकड़ा गया है, और सभी पुजारी वर्ग और पुरोहित वर्ग कोरोना के महायज्ञ में बैठे हुए थे, वहीं से सभी को ऐसा लग रहा था, कर्मचारी को भी लगा और सबने एक दूसरे से ये चर्चा करके ये सूचना गेट पे जब गई तो उसको पकड़ा है। तो पुजारी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, संदिग्ध लगा। इस बीच सियासी जंग भी छिड़ गई है, प्रियंका गांधी ने वार किया है, कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम क्यों नहीं था, कानपुर के इस मामले पर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार नाकाम रही है। इस बीच तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है। ये जो नाम चीख चीख कर अपना बता रहा था कक्कर साहब, इसकी दो वजह हो सकती है, एक तो एनकाउंटर का खौफ, दूसरी तरफ ये चाहता था कि सभी को आसपास में पता चले कि इसकी गिरफ्तारी हो रही है। देखिए ये जैसे मैंने पहले कहा एक बहुत बड़ा अपराधी है, इस स्टेज पर ये केवल ये सबको बताना चाह, एक तो इसको ये पता था कि मेरी जो खेल है वो खत्म है, मुझे अब मैं पकड़ा जाऊंगा मर जाऊंगा, इसने सरेंडर किया अपना और इतने जोर जोर से बोल रहा था कि वहां 50 और लोग 100 और लोग जाने कि ये जिंदा पकड़ा गया है, कि ये जिंदा पकड़ा गया है, ये इसको एक
सर्टिफाई कर रहा है अपने अपनी अरेस्ट को, तो स्वयं ही सर्टिफाई कर रहा है कि मैं देखो मैं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पकड़ा गया। अब यही इसको करना था कि भाई ठीक है, मरने से पहले कुछ दिन तो और जी लूंगा मैं, और उसके बाद जो हथकंडे इसने अपनाने हैं जैसे पहले अपनाए हैं, खैर अब वो तो नहीं चलेंगे, लेकिन हो सकता है ये केस अब 2-4 साल तब तक तो जिंदा रहेगा भाई। चंद्रमोहन जी। जी जी अंजना जी। एनकाउंटर ना हो, मैं जिंदा पकड़ा गया हूँ ये बताने के लिए चीख रहा था, ये क्या बताता है? देखिए वो पकड़ा गया है, ज्यादा डिटेल मध्य प्रदेश पुलिस इसकी ऑफिशियली बता सकती है, लेकिन इस समय वो गिरफ्त में है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरीके से हमारे नेता संतोष शुक्ला की हत्या के बाद में तात्कालिक जो सरकार बनी, 15 साल हम सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, जिसका कारण से ये एक जो सपोला था वो बड़ा नाक बना, लेकिन अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसको हर हालत में इसको कानून के दायरे में रहकर इसको पूरी सजा जो अधिकतम सजा है वो मिले, ये सुनिश्चित उत्तर प्रदेश की पुलिस जरूर करेगी। अनुराग जी। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा कैसे बदलती है, अभी 2-3 दिन पहले यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी कि आप चैनल में पाएंगे कि विकास दुबे अपराधी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देखिए अनुराग जी, ये अनंत है, आप उसको कहेंगे भाजपा वाला, वो कहेंगे सवाल, एक मेरा सवाल सुनिए, अगर ये एक सेकंड सवाल तो सुनिए फिर जवाब दीजिएगा ना सर, अगर आपको लग रहा है ये साजिश है आप इसको प्रूफ कीजिए, कुछ तो थ्योरी दीजिएगा ना इसको साजिश बताने के पहले, कि मां से कैसे कोई बुलवा दे सकता है कि समाजवादी पार्टी में है अभी वो, इस टाइम तो भाजपा में नहीं है, आप ही बताइए साजिश कैसे है, प्रूफ कीजिए। अंजना जी आपके चैनल पे ये बोल चुकी है भारतीय जनता पार्टी में अभी है, आप ही के चैनल पे मैंने आपका शो किया था, आपके तो मां से दबाव में बुलवा रही है बीजेपी। अरे मैं तो कह रहा हूँ आप उसकी माँ कुछ भी बोल रही, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कुछ तो बात होगी ना भाई, वही माँ बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात छोड़ दीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने 2017 में बोला है कौन कौन विधायक उसकी भारतीय जनता पार्टी की उसकी मदद कर रहे थे, इसमें छुपा हुआ कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ देखिए अंजना जी, ये जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी विकास दुबे है, इसका सिर्फ एक ही काम कीजिए, इसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दीजिए, किस किस से 1-1.5-2 महीने में किस किस से संपर्क में था, कौन कौन जो इसके अधिकारी थे इसके संपर्क में थे, कौन कौन नेता संपर्क में थे, सबको पता चल जाएगा अंजना जी, इतनी डिबेट का विषय ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ क्यों सरकार इतना हल्ला मचा रही, भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको बचाने की कोशिश कर रही, पब्लिक कर देना डिटेल, उसकी पूछताछ सबके सामने हो, सही सुझाव, बात खत्म। बिल्कुल सुझाव दे रहे हैं, सुझाव देना चाहिए, समाजवादी पार्टी सुझाव दे रही है अंजना जी, सुझाव देना चाहिए, मैं सुझाव के लिए स्वागत करूंगा। और अभी अब वो कह रहे थे पहले 6 महीने फिर 3 महीने, मैं ये कहूंगा 6 साल की भी पॉलिटिक्स, अब सुन लो यार, सुन लो, बेवजह बोलते हो, ये दिक्कत है तुम्हारे साथ, मत बोला करो बार बार, लगातार अंजना जी शो कर रही है, देश देख रहा है, मेरे व्हाट्सएप पर लगातार जो स्क्रीन शॉट लोग भेज रहे हैं, और आप अपनी बकवास करते जाते हो, सुनते नहीं हो, मैं कह रहा हूँ 6 साल की कॉल डिटेल होनी चाहिए जारी, और इसकी क्यों होनी चाहिए, अशरफ की भी होगी, रामवृक्ष यादव की भी होगी, सारे माफियाओं की होगी, आपको चिंता है ना, आप अखिलेश यादव को चिंता दी ना, उनकी उनका ये सपना पूरा हो गया ना, उनकी इच्छा पूरी हो गई, अखिलेश यादव बार बार ट्वीट कर रहे थे कि जिंदा होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, जिंदा है ना, अब देख लो उसका दर्शन कर लें, अखिलेश यादव तृप्त हो लें उससे, उसकी पत्नी ऋचा दुबे का फॉर्म सार्वजनिक हो गया कि उसने अपनी संस्था क्रमांक लिखी है, लेकिन चंद्रमोहन जी उस पर जैसे आपके विधायकों ने, ठीक है एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ बार बार उस पर, जैसे चंद्रमोहन जी उस पर, लेकिन जैसे उसके बयान पर आपके विधायकों ने इनकार कर दिया कि हमारा नाम तो साजिश की वजह से ले रहा है, वैसे ये कह रहे हैं कि वो फॉर्म फर्जी है, तो ये तो अनंत है ना, ये तो अब आपकी पुलिस पर जिम्मेदारी होगी कि केस कैसे बनाते हैं सबूतों के साथ। अंजना जी बिल्कुल अनंत नहीं है, आप कानपुर चले जाइए, आप पूरा मैं एकदम विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपके साथ पहली बार डिबेट में बैठा हूँ, आप कानपुर चले जाइए अंजना जी, और किसी से पूछ लीजिए कि आपको अपने आप दीवालें बोलने लग जाएंगी, सब बोलेंगे कि विकास दुबे कौन है,
तो विकास दुबे सपा का है, विकास दुबे बसपा का है, ये सारे लोग चिल्लाएंगे, मुझे नहीं कहने की जरूरत है। आज हम जो कह रहे हैं, आपको जोर देके कह रहे हैं कि इस कलंक कथा का अंतिम अध्याय विकास दुबे है और इसको मिटाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ली है और वो इसको मिटा के रहेंगे। जी चंद्रमोहन जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। लेकिन ना तो प्रियंका वाड्रा ने, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 दुर्दांत को मारा, अगर इनको जरा भी वो होती तो अखिलेश यादव ट्वीट करते कि ये एक मारा, वो ट्वीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई देनी चाहिए कि विकास दुबे का एक साथी मारा गया, बधाई उत्तर प्रदेश पुलिस। क्यों नहीं दी बधाई अखिलेश यादव ने, क्यों नहीं दी बधाई प्रियंका वाड्रा ने, एक बधाई दी क्या? 5 मारे गए हैं लेकिन एक को बधाई नहीं दी, क्यों नहीं दे रहे बधाई? क्योंकि इनको केवल और केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से नफरत है, ईर्ष्या है, उत्तर प्रदेश से नफरत है, इसलिए ये केवल बवाल करेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, कोई तथ्य बात नहीं करेंगे। इनका विधायक उसके घर जाता, कहीं के लिए जाता है। गिरफ्तारी हुई है गैंगस्टर विकास दुबे की, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, गिरफ्तार हुआ, जरा आपको सुनाते हैं। गिरफ्तारी आ रही हूँ चंद्रमोहन जी, आ रही हूँ, थोड़ा सा रुके। तो भदौरिया साहब, क्या कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस गिरफ्तारी के बाद, पहले आपको सुना देते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं, आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूँ कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस ना करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। तो आपने केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बधाई देते हुए उज्जैन पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को। और उसके बाद अब प्रियंका वाड्रा का ये कहना है कि कानपुर का ये पूरा मामला अलर्ट के बावजूद विकास उज्जैन कैसे पहुंचा, इसका जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। ये सवाल है विपक्ष का, प्रियंका वाड्रा ये पूछ रही हैं, क्या उज्जैन वो पहुंचा? पहले कानपुर से वो फरीदाबाद पहुंचता है, फरीदाबाद से फिर वो उज्जैन पहुंच जाता है। चंद्रमोहन जी, देखिए प्रियंका वाड्रा जी को सारी जानकारियां हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा जी के साथ समस्या यह है कि वो हवाई बातें करती हैं। जब कोई आदमी फरीदाबाद से और उज्जैन जाता है तो बीच में राजस्थान भी पड़ता है, लेकिन प्रियंका वाड्रा जी को राजस्थान नहीं दिखा होगा क्योंकि उन्हें कभी राजस्थान नहीं दिखता है, उनको कभी महाराष्ट्र नहीं दिखता, कभी दिल्ली नहीं दिखाई देता है, उनको जब दिखाई देता है तो केवल उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। मऊ में जब समाजवादी पार्टी के लोग राजस्थान में गया था, सभासद को मारते हैं तो उस पर नहीं बोलेंगी, वो चुनके बोलती है। राजस्थान भी गया था चंद्रमोहन जी, आप क्या कह रहे हैं कि राजस्थान का भी ना कहां गया था? जब उसका जो ट्रैक दिख रहा है सर, उसमें वो फरीदाबाद गया और फिर उज्जैन गया। नहीं, फरीदाबाद से उज्जैन जब वो गया तो बीच में राजस्थान की, मैं कह रहा हूँ राजस्थान की सीमा भी पड़ती है, राजस्थान होकर ही जाना पड़ता है मध्य प्रदेश अगर कोई साइड हो जा रहा है। प्रियंका जी को जब सारी जानकारियां हैं तो प्रियंका जी को राजस्थान क्यों नहीं मिला? राजस्थान पुलिस क्या कर रही थी? प्रियंका जी को कैसे जानकारी? आप लोग ब्रीफ कर रहे हैं क्या? कौन ब्रीफ कर रहा है? पुलिस ब्रीफ कर रही है। प्रियंका जी जब ट्वीट कर रही है, प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश में आरोप लगाने का काम करती हैं, बार बार उत्तर प्रदेश को कलंकित करने का काम करती हैं प्रियंका वाड्रा, तो उन्हें पूरी बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ चंद्रमोहन जी आपके पास, मैं लौट रही हूँ, आपसे पूरा जवाब दूंगी। एक बार तस्वीरें नहीं आई है, जरा दर्शकों को दिखा दें, ये महाकाल की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस इस वक्त पहुंची है और वहां पर पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। महाकाल मंदिर में ये पुलिस पहुंची है,
अब ये पता करना होगा कि एसटीएफ यूपी एसटीएफ है या फिर मध्य प्रदेश पुलिस है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे के जो तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ये वो हिस्सा है जहां पर लोग अक्सर अपने, क्योंकि यहां से खाली पैर अंदर मंदिर में जाया जाता है, तो वहां से ये आप देख रहे हैं सबूत इकट्ठा करके, जो भी उसने जूते वगैरह पहने हो वो सब इकट्ठा करके पुलिस ले जा रही है। कानपुर हत्याकांड में यूपी सरकार पूरी तरह फेल है, ये आरोप प्रियंका लगा रही है और इसी पर चंद्रमोहन जी जवाब दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब जाकर महाकाल मंदिर उज्जैन से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा कि 6 दिन तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में ये कामयाब रहा, शूटआउट की जगह से भी भागा और उसके बाद भी लगातार लुका छिपी का खेल करता रहा, इन राज्यों से होता हुआ उज्जैन पहुंचा। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। देखिए मैं कहूं, का काम करते जब उत्तर प्रदेश की पुलिस 5 अपराधियों को मार गिराया, अभी इनका ट्वीट नहीं आया। जब फरार अशरफ को प्रयागराज में पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनका ट्वीट नहीं आया। इनका ट्वीट केवल सवाल खड़ा करने के लिए आएगा, इनका ट्वीट केवल बवाल करने के लिए आएगा, केवल झूठी बातें करने के लिए आएगा। कौन सी बात कभी इन्होंने तथ्यात्मक में कही है? केवल राजनीतिक प्रोपगंडा करने के अलावा प्रियंका वाड्रा कभी सच के आसपास आएंगे क्या? केवल राजनीतिक प्रोपगंडा करेंगे? नहीं नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर। विपक्ष आपके एनकाउंटर और आपकी उपलब्धि पर ताली बजाए अगर ये उम्मीद लगाए आप बैठे हैं तो आप अलग दुनिया में जी रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है जो लगातार पूछा जा रहा है कि 6 दिन तक ये शख्स घूमता रहा, उज्जैन में जाकर ये पकड़ा गया है, क्या सुरक्षा के मद्देनजर ये एक बहुत बड़ी लूपहोल जिसे कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कमी नहीं दिखाई देती? आवाज आ रही है क्या चंद्रमोहन जी की? प्रियंका वाड्रा जी आईना दिखाने का काम करूं? नहीं नहीं, आप चाह रहे कि एनकाउंटर वो आपके लिए पीठ थपथपाए? फोन कट गया शायद उनका, फिर से चंद्रमोहन जी जैसे जुड़ते हैं उनसे जवाब लेंगे। लेकिन भदौरिया साहब, आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, ये जो आप थ्योरी दे रहे हैं कि आपके वहां बोला था और वहां बोला था, समाजवादी पार्टी से सीधे जुड़े होने की बात अगर मां खुलकर कह रही है तो मुश्किलों में तो आप भी घिरेंगे और सच सामने आना चाहिए। तो पिछले कुछ वर्षों में कहां पर था, क्या क्या कर रहा था, किन ऑफिसर्स किन नेताओं से संपर्क थे, ये सब आना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ अंजना जी, उसकी माँ तो अभी कह रही थी कि वो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में था, आपके चैनल पे बोला, दूसरे चैनल पे भी बोला 3-4 दिन पहले। ये तो बेकार की बात है। असली बात ये है कि इनको ये बताना चाहिए कि विकास दुबे को किसने संरक्षण दिया इतने दिनों तक? 3.5 साल की सरकार थी, कौन है जो विकास दुबे को बचाने में लगा हुआ था? कौन है जो विकास दुबे के पीछे है? कौन है जो विकास दुबे के सहयोगियों को सह दे रहा था, उसको फाइनेंस कर रहा था? कौन है ये लोग? ये पता चलना चाहिए, जनता जानना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पकड़ नहीं पाई उसको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। वो आपने खुद ही आपने देखा एनसीआर और उत्तर प्रदेश चक्कर काटते काटते और कैसे चला गया। वो कह रहे हैं कि राजस्थान भी नहीं गया, इनको इतना भी पता है कि राजस्थान होकर गया कि नहीं गया, कि राजस्थान से गया तो भारतीय जनता पार्टी पता होगा कि अपराधी ये जो भारतीय जनता पार्टी विकास दुबे है, हो सकता है राजस्थान से गया हो, इनको मालूम हो, तो 1990-2000 से बीजेपी बचा रही थी, सिर्फ बीजेपी की सरकार थी यूपी में, बिल्कुल बीजेपी इसको बचाती आई है आज तक। मैं आपको गारंटी कहता हूँ बीजेपी बचाते चली आई है, 20 साल से बीजेपी इसको बचा रही है और इसको पाल के रखा हो भारतीय जनता पार्टी ने। आज भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश में जाके पकड़ा जाता है, वहां सिलेंडर करता है, कोई अपराधी कहता है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं अपराधी विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी का कानपुर वाला, मैं अपराधी विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी कानपुर वाला। तो तथ्यों के साथ बड़ा मजाक करते हैं कई बार अनुराग भदौरिया साहब, जो वो कह रहा है, देखिए इसकी गंभीरता को समझिए, वो जो कह रहा है वो अपना नाम और अपनी जगह बता रहा है। इसमें पूर्व अधिकारी ये कह रहे हैं, उसी में आप शब्द जोड़ रहे हैं ना सर, उसमें आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि ऐसा अपने आप को एनकाउंटर से बचने के लिए कि मैं जिंदा पकड़ा गया हूं इसलिए वो बता रहा था। बहरहाल मंशा उसकी जो भी हो, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं, चंद्रमोहन जी जुड़ेंगे तो उनके पास चलेंगे। आपको बताएं, कुख्यात गैंगस्टर आज अचानक सुबह में उज्जैन में गिरफ्तार किया गया, किस तरह की जानकारी मिली? कलेक्टर उज्जैन का दावा है कि वो वहां पर पूजा करने के लिए गया था, संदिग्ध था, पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, और क्या चीख रहा था वहां पर विकास दुबे, सुनिए। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, हवाई नहीं
यार गाड़ी नहीं मैं काम करवा रहा हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई यार गाड़ी नहीं मैं विकास दुबे काम करवा रहा हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? जिसके दादी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं करते। एक महाशय आए, उनके पास बैग था, तो मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर आपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए, बैग में वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे, वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास तो हो सकता है क्योंकि उसे पैर में लचकती लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी तो गोल गोल जवाब देता रहा, फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पर शायद उसने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था इस वजह से ऐसा किया है उसने, क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या बात है, आप पूरी बताएं। हमारी पूरी सिक्योरिटी टीम महाकाल मंदिर में सेवा दे रही है, हमारी एसएसआई तो हम लोग संदिग्ध लगा व्यक्ति विकास दुबे जो यूपी के 8 पुलिस कर्मियों को इंकाउंटर कर चुका है, तो हम लोगों को लगा तो उन्हें देखकर 2 घंटे तक हम लोगों ने इंक्वायरी किया, सीसीटीवी देखते हमारे अधिकारी लोगों ने पकड़ा उसको, तो बाकी हम लोगों की सिक्योरिटी टीम हमारी रोड सवारी लगी हुई है, उसके माध्यम से 2 घंटे से इंक्वायरी करने के बाद हमने पुलिस कस्टडी में लिया, हमारे अधिकारी को बताया तो बाकी चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। आपने कैसे पकड़ा तो उसने कोई विरोध नहीं किया, क्या करा उसने? पीछे हमने देखा, हम लोग पहले हमने लोगों को फोटो देख रखे थे इसके, देखते हम लोगों ने कहा। आपने कैसे पहचाना? हम लोग पहले फोटो देख रखे थे, हम लोगों को लगा कि विश्वास हो सकता है संदिग्ध, एक दो घंटा हमने इंक्वायरी किया सीसीटीवी के माध्यम से, देखने के बाद हम लोगों ने पूछा। फिर आपने क्या किया? हम लोगों ने पुलिस कस्टडी में लिया, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।